हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन स्पाइस बॉक्स में। और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल स्वीट डिश की रेसिपी जिसका नाम है खाजा। ये मिठाई देखने में जितनी सुंदर लगती है खाने में भी उतनी ही ज्यादा टेस्टी होती है और इसे बनाना भी काफी इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, खाजा बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका आटा लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम तक मैदा यूज किया है। मैदे को बाउल में ट्रांसफर करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कुटी हुई इलायची के दाने। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी 3 से 4 बड़े चम्मच। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। घी डालने से हमारी जो मिठाई है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता बनती है। आटे में आपका मोहन परफेक्ट है। इसे चेक करने के लिए आप हाथों में थोड़ा सा आटा लेकर उसे बांध कर देख लीजिए। अगर ये बन रहा है तो आपका मोहन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। इसमें एक साथ पानी ऐड नहीं करना है बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी डालें। तो इसका हमें सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है, जैसे कि हम रोटी के लिए लगाते हैं। इस आटे को लगाने में बहुत ही कम पानी इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है। करीब आधे कप से भी कम पानी का इस्तेमाल हुआ है इस आटे को लगाने में। तो अब हम इसे थोड़ा सा गूंद लेंगे। तो कि जिस तरह का आटा हमने तैयार कर लिया है अब हम इसे रोल कर लेंगे। खाजा बनाने के लिए हमारा आटा काफ़ी ज़्यादा चिकना होना चाहिए, नहीं तो फ्राई करते समय हमारे खाजे में बबल्स आने लगेंगे। थोड़ी देर मसलते हुए हमें ऐसे ही इसे चिकना कर लेना है। फिर इसके बाद हम इसे एक नाइफ की मदद से कट कर देंगे। इससे जो हमारी लोई है वो इक्वल शेप में रहेगी। तो इसे हम साइड कर लेते हैं और अब हम बनाएंगे साटा। ये खाजे का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, इसी से ही हमारे खाजे में लेयर्स बनते हैं। पर मैंने 4 बड़े चम्मच देसी घी को पिघला लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच मैदा। अब इन दोनों को ही आपस में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिए कि खाजे के साटे में हमें ज़्यादा मैदा यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा साटा गाढ़ा हो जाएगा और खाजे को फ्राई करते समय खाजे के लेयरिंग फटने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो हमारा साटा तैयार है। तो अब हमने जो लोई बनाकर रखी थी उसे फिर से चिकना कर लेते हैं। फिर हम इसको एक सिंपल रोटी की तरह बेल लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी जो लोई है वो कितनी चिकनी है, यानी कि इसमें एक भी क्रैक्स नहीं है। अगर आपका आटा बेलते समय क्रैक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने मोवन ज़्यादा डाल दिया है और आप अभी थोड़ा सा मैदा और ऐड करके अपने आटे को सही कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सिंपल रोटी बेल लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी पतली है। तो आपको भी ऐसी ही पतली रोटी बेल लेनी है। और अब हम दूसरी रोटी भी बेल लेते हैं। इसी तरह से हम सारी रोटी को बेल लेंगे। तो हमने सारी रोटी बेल कर तैयार कर ली है, लेकिन हमने लास्ट की रोटी को थोड़ा सा बड़ा बेला हुआ है। इसके बाद जो हमने साटा तैयार किया है अब उस साटे को हम इस रोटी पर लगा देंगे। मैं इसे अपने हाथों से लगा रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश हो तो आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे चारों तरफ अच्छे से कोट कर देना है। साटा लगाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह से हमें अपनी सारी रोटियों को एक के ऊपर एक रख के साटा लगाकर फिर इसी तरह का प्रोसेस फॉलो करते जाना है। तो हमने सारी रोटियों को एक के ऊपर एक लगा लिया है। अब इसके बाद हम इसे टाइटली रोल करेंगे। तो रोल करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से हम इसे टाइटली रोल कर लेंगे। अब हम इसके लास्ट एजेस में थोड़ा सा पानी लगा देंगे जिससे हमारे खाजा की जो शेप है वो आपस में चिपकी रहेंगी और उनकी लेयर्स भी नहीं खुलेगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आप इसे ज़रूर करें। तो कुछ इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। तो अब हम इसके लास्ट एजेस को काट देंगे क्योंकि ये वेस्ट है और हमें ये नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम इसे निकाल देंगे।
अब इसके आधा आधा इंच के पीसेस कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम अपने खाजे को हाथों से सेव दे देंगे। आप चाहें तो इसे बेल भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफी ज्यादा लेयर्स पड़ी हैं। तो इसी तरह से हम सारे खाजे को तैयार कर लेंगे। तो हमने अपने सभी खाजे को शेप दे दिया है। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। देखा जाता है कि खाजा को फ्राई करते समय अक्सर लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो अपने तेल को बहुत ही ज्यादा गर्म कर देते हैं, लेकिन हमें इसे ज्यादा गर्म नहीं करना होता है। फ्राई करने से सिर्फ एक मिनट पहले आप अपने तेल को मीडियम फ्लेम पर रखें, उसके बाद आप एक एक करके अपने खाजे को तेल में डाल दें। आप देख सकते हो कि हमारे तेल में अभी एक भी बबल्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी गैस की फ्लेम को बहुत ही लो रखा है। इसे 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम पर पकने दें। दोस्तों 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे तेल में बबल्स आना शुरू हो चुका है। तो इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर पकने देना है जब तक कि हमारे खाजा हल्के होकर तेल के ऊपर ना आ जाएं। दोस्तों जब तक हमारा खाजा पक रहा है तब तक हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में 300 ग्राम तक चीनी ली है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 कुटी हुई इलायची के दाने, 1 चुटकी फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके बाद हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे। तो अब हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी में उबाल आना शुरू हो चुका है। इसे ऐसे ही पकने देंगे जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। तो हमारी चाशनी को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये अब थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है। तो दोस्तों हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये हाथों में थोड़ी सी चिपकने लगी है। तो अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद चाशनी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है। तो अब चलते हैं अपने खाजे को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो खाजा है वो ऊपर आने लगा है तेल के। तो अब आप चाहें तो अपने गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, इससे आपके खाजे जल्दी से ऊपर आ जाएंगे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसे थोड़ा सा हिला सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे खाजा बहुत ही हल्के हो चुके हैं और वो तेल के ऊपर तैरने लगे हैं और खाजे की शेप में भी काफी फर्क आ चुका है। इसे ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक पकाना है जब तक कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स हमारे खाजे में अच्छा सा कलर आ चुका है और ये अंदर से कुक भी हो चुके हैं। तो अब इस टाइम पर हम अपने खाजे को चाशनी में डाल देंगे। दोस्तों खाजे को चाशनी में डालते समय आपको याद रखना है कि आपकी चाशनी गर्म होनी चाहिए। अगर आपकी चाशनी गर्म नहीं होगी तो आपके जो खाजे हैं वो चाशनी को अब्सॉर्ब नहीं करेंगे। दो से तीन मिनट तक इसी तरह से खाजे को चाशनी में रहने देंगे ताकि हमारा खाजा चाशनी को अंदर तक सोख कर ले। तो हमारे खाजे ने अंदर तक चाशनी पी ली है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो हमने अपने सारे खाजे को चाशनी से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे खाजे कितने अच्छे और लेयरदार बने हैं। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स खाजा बनकर तैयार है। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।